पहले जानना चाहेंगे, ये जो मैच हो रहा है टीवी वर्सेस फिल्म, क्या रीज़न है, कुछ आपको पता है इसके बारे में? जहाँ तक हमें बताया गया, सबसे पहला रीज़न तो ये बताया गया कि एक मौका है कि हम जो एक दूसरे को जानते नहीं, एक ही इंडस्ट्री में रहने के बावजूद ये ऐसे है, हम लोग ने मैच नहीं लिया कि ये फिल्म वाले हैं और हम सीरियल वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, कितने लोग मतलब हैं एक ही इंडस्ट्री में लेकिन जानते नहीं एक दूसरे को, तो पहली बात तो ये है कि एक दूसरे को जान लेंगे अच्छी तरह से। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया कि इसके जो कुछ भी स्पॉन्सरशिप और जो भी प्रोसीड्स होगी वो सुनामी को जाएगी। तो ये रीज़न है कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं और खेलना नहीं आता फिर भी खेल रहे हैं। सुनामी के लिए जैसा भी आपने बताया, इस तरह के कॉज के लिए कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने आप को इन्वॉल्व करना? देखिए, ये तो क्या है कि हमें किसी तरह से एक रीज़न चाहिए। ऐसे मतलब हर रोज़ हमें एक कोई कॉन्सर्ट के लिए, किसी शो के लिए, होस्टिंग करने के लिए हर रोज़ हमें बुलाया जाता है, हम इन्वॉल्व नहीं कर पाते अपने आप को। अब ये एक रीज़न है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ से एक दो घंटा निकाल लिया और क्रिकेट खेलने का भी शौक़ है, इससे शौक भी पूरा हो जाता है और दूसरा मदद भी हो जाती है लोगों की, जिन लोगों को चाहिए मदद। बस मेरी किस्मत ख़राब थी, ये सोचिए कि तीन बार गिरने के बावजूद उस लड़के ने कैच पकड़ लिया, पर ठीक है, बहुत मज़ा आया। मैंने एक फोर भी मारा, बाउंड्री की एक, तो बहुत अच्छा लगा। अब बॉलिंग करूँगा तो डेफिनेटली इन लोग के दो तीन विकेट तो गिरा ही दूँगा। वेल टू बी फ्रैंक विथ यू, मैं जिधर भी जाता हूँ मैं पूरी तरह से इन्जॉय करता हूँ उस यूनिट में। बेस्ट मोमेंट बहुत बार हुए हैं, जैसे कि मैंने कई बार जो मेन लड़कियाँ हैं दोनों, एक पुरवा है, पुरवा के साथ तो ज़्यादा मस्ती नहीं की, लेकिन करिश्मा है, उसके एक आध बार मोबाइल गुम कर दिया था उसका, उठा के रख लिया था, तो जिस तरह से वो परेशान हुई थी और पूरे सब लोगों को ढूंढ रही थी, उसके बावजूद उसको नहीं मिला, दैट वॉज वेरी नाइस। मतलब अभी भी याद रहता है कि कैसे उसने सब लोग की बैग ये सिक्योरिटी को भी बुला लिया और सबको चेक करवा लिया, लेकिन एवरीबडी न्यू दैट मेरे पास है मोबाइल, लेकिन फिर भी किसी ने बताया नहीं। और फिर उस किस तरह से उसे मिला और किस तरह से फिर एक्चुअली उसका फ़ोन गुम हो गया, तो नाम मेरे पर ही आया, बोले तू ही करता है ये हरकतें, यू मस्ट हैव ओनली टेकन इट, सो दे दे मुझे, दे 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 दे, लेकिन उसे मिला नहीं, किसी ने चोरी कर लिया। बट देर आर और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं, अभी तो वी हैव टोल्ड दिस टू द कंसर्न पर्सन ईपी एंड एवरीबडी दैट लास्ट दिन, अभी एक दिन की शूटिंग बची है, तो उस दिन सबको बुलाइए और फिर हम वी माइट डू समथिंग यू नो ऑन द स्पॉट, जो भी मस्ती मजाक। So that would be the best memorable moment of that show because everybody will be there. Normally what happens is like, you know, we are two or three people shooting or either one is not there, two is not there. Aise chalta hai. Sab log puri cast nahi hoti. Now we'll call up everybody and then we'll do something. That's what we've decided. Let's see. अभी तक प्लान वही, ये मैं उन लोग से मिलूँगा उस दिन तो ही पता चलेगा कि क्या मस्ती ये लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मैं दूसरा भी शो कर रहा हूँ, तो मैं हार्डली मैं उस शो में मतलब जाता हूँ, तो इट्स लाइक फॉर 6 hours, 8 hours लाइक दैट, नॉट द फुल डे, लाइक नॉट 13 hours का, पूरा 9 to 10, बहुत कम उस शो को मिला है मेरा टाइम, क्योंकि मोस्टली आई एम इन क्यूकी। सो जब जाऊँगा या फ़ोन पर कभी बात की, बिकॉज एक दिन की शूटिंग कभी है पहले वो भी नहीं पता है, पहले वो डिसाइड हो जाए लास्ट शूटिंग कब है, देन वी माइट प्लान समथिंग। सारे ही दोस्त अच्छे हैं भाई, मैं जमती अच्छी है सलीम जी से, हु इज़ प्लेइंग माई फादर, एंड ऑफकोर्स इजाज इज़ देयर एंड करिश्मा, एवरी वी ऑल आर लाइक यू नो दैट यूनिट, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे अभी पहले इजाज नहीं था, इजाज किसी को रिप्लेस करके आया, तो उसका भी उन लोगों का भी यही मानना है कि ऐसी यूनिट नहीं देखी, यू नो बहुत मज़ा आता है, इट्स लाइक सबसे बड़ी बात क्या है, वीकली है, डेलीज में ऐसा होता है कि यू नो यू हार्डली गेट एनी टाइम, ये वीकली में द वर्क इज़ मोर रिलैक्सड, यू नो एवरीबडी इज डूइंग, काम आराम से चलता, तो वी गेट टाइम, वी सिट, वी ईट टुगेदर, डिनर लंच के लिए सब वेट करते हैं, वी ऑर्डर फूड एंड एवरीबडी एक साथ सब डब्बा वब्बा खोल के, करिश्मा अपने घर से डब्बा लेके आती है, वो डब्बा वब्बा खोल के बैठते हैं हम लोग, सो वी एंजॉयड, वी हैड लॉट ऑफ फन, डेफिनेटली यू गोना मिस दैट, बहुत मिस करेंगे, लेकिन फिर लाइफ मस्ट गो ऑन। मेरे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कभी हुआ नहीं कोई भी सेट पे, क्योंकि मुझे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अगर मेरे ऐसे कोई आर्टिस्ट हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं तो आई लीव देम अलोन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई कैन मेक आउट फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज दैट दिस गाय और दिस गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग. सो ओके चिल, आप अपने कोने में रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं सेट वालों के साथ बैठ जाऊँगा, मैं स्पॉट वाले के साथ बैठूंगा. मैं मेरे को बात करने की बहुत आदत है, तो मैं किसी के साथ भी बैठ के मैं आराम से गप्पे शप्पे. यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई विल नॉट फोर्स यू दैट नो यू हैव टू टॉक टू मी और आई वुड ट्राई टू स्ट्राइक अ कन्वर्जेशन विथ यू, नथिंग लाइक दैट. इट्स ओके, मेरे को बिल्कुल कुछ मेरे को. और दूसरी बात यह है कि जो मेरे को आर्टिस्ट थे वो किसी न किसी तरह से मुझे जानते थे. जैसे करिश्मा थी, शी वॉज डूइंग क्योंकि विथ मी एंड वो मुझे पहले से ही जानती थी. पूर्वा को मेरे को करिश्मा ने मेरे को मिलाया था, हाई दिस इज पूर्वा वी एंड द अर्लियर गाय वो वॉज डूइंग माई रोल, आई ऑल्सो रिप्लेस संदीप बसवाना, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड. सो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक मुझे कोई नए सेट पे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. टच मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं मेरे मुझे कभी नहीं. आई डोंट थिंक मुझे होगा. मैं आई जस्ट सेड आई लीव द पर्सन अलोन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. तो आप अपने बेस्ट पल्स के बारे में बता सकते हो सेट पर और उनके साथ बेस्ट मोमेंट्स? बेस्ट पल्स मतलब जैसे भाई मेरी हार्डली मुझे टाइम मिला, लेकिन मेरी जमती करिश्मा के साथ भी अच्छी जमती है. करिश्मा के साथ वो फिर कभी कुछ चीज़ लिल मतलब अभी थोड़ी सी बच्ची टाइप से, शी इज़ नॉट सीन द वर्ल्ड द वे वी हैव सीन इट, तो उससे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर. तो वो पूछती है और कई बात ऐसी होती है जो उसे बता नहीं सकते हम कि क्या मतलब हुआ इसका, तो भी देन शी फोर्स मुझे बताओ, यू हैव टू टेल मी व्हाट इट इज़. देन पूर्वा, पूर्वा को अगर समझ में आता तो पूर्वा को मैं बोलता हूँ पूर्वा प्लीज़ मेक हर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट. हम नहीं बोल सकते तो ऐसे है मोमेंट्स. बाकी ऐसे कोई खास ये मोमेंट नहीं हुआ है कि यू नो जहाँ पे हमें रोना पड़ा हो या कोई किसी कारण के बहुत ज़्यादा मस्ती हुई हो. दैट वॉज हार्डली आई एम श्योर लास्ट डे वी विल बी यू मस्ट कम ऑन द लास्ट डे यू विल सी पूर्वा एंड करिश्मा बोथ ऑफ देम एटलीस्ट क्राइंग, दे विल क्राई आई एम श्योर. नहीं आई सी द होल पॉइंट इज आई हैव सीन ऑल दिस, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. आई वॉज डूइंग कुटुम कुटुम गॉट ओवर, आई वॉज वेरी अटैच टू द यूनिट एंड देन नाउ आई हैव यू नो ग्रोन अप ऑन दैट. आई विल बी लिटिल इमोशनल बट द थिंग इज इट्स नॉट दैट वील नेवर मीट. दैट हैपन्स वेन यू नो यू थिंक दैट नाउ तो वील नॉट मीट. ऑफकोर्स वेन विल बी मीटिंग इट विल नॉट बी द सेम, बट वी कैन ऑलवेज मीट. वी आर वर्किंग द सेम प्रोडक्शन हाउस, वी विल बी वर्किंग द सेम एरिया प्रोबेबली, सो वी कैन मीट अप और वी कैन मीट अप एल्सवाइज ऑल्सो फॉर डिनर एनीथिंग यू नो. सो इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि सब चले जाएंगे. अफसोस ये होता है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्री चले जा रहे तो बाकी तो नो प्रॉब्लम्स, दे आर हेयर, आई एम हेयर, वी कैन मीट एनी टाइम. सबसे मिलूँगा करिश्मा तो मुझे रोज़ किसी न किसी तरह से क्योंकि मैं टकरा जाती है. पूर्वा भी आसपास में शूटिंग करती है क्यों कहानी के, तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग गेट टुगेदर्स करते हैं, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ देम विल मीट एंड विल प्लान गेट टुगेदर. वी हैव डन टू गेट टुगेदर्स लाइक दिस, सो वी हैड अ ब्लास्ट, बहुत मज़ा आया. नहीं वो पहला जो हमने किया था दैट वाज सब लोग एक साल हुआ था हमारे सीरियल को कोई दिल में को, और ऑफकोर्स इजाज की पार्टी, इजाज को एक बर्थडे पार्टी दी थी हम लोगों ने, इजाज हुज विद अस. तो बहुत हम लोग सब जमा हो गए थे, इजाज का बर्थडे एनी टाइम ऑलरेडी क्रॉस 12, सो एवरीबडी वाज सो पिस्ड ऑफ दैट. उन्होंने पूरे केक, हम सब ने ना केक को पहले से काट दिया, ऐसे ऐसे काट काट के रख, और जैसे ही वो आया 12:30-1 बजे कुछ आया उसको, तो पहले उठा के सीधा उसका मुंह डाल दिया केक में. उसके बाद में उसकी टी शर्ट वी शर्ट फाड़ दी पूरी, उसको बाद में विश किया हैप्पी बर्थडे, नाउ लेट्स एंजॉय. दैट वाज द फर्स्ट गेट टुगेदर. देन सेकेंड वी डिड इट जब हमारा एक साल पूरा हुआ कोई दिल में का, एंड एज यूजल मैं आराम से कुछ 12:30-1 बजे के आसपास पहुंचा, बिकॉज मैं डिसाइडेड नहीं था, बट देन सिंस इट वाज 1 ईयर कंप्लीट फॉर आवर ओन शो आई वेंट देर, थोड़ा डांस वांस किया, एंड देन कैन नॉट स्टे फॉर लेट बिकॉज
दूसरे दिन फिर 7 बजे की शिफ्ट होती है, तो आई वाज देयर फॉर 1 आवर। इंजॉय मी बेसिकली डांस, किसकी खींची उसकी खींची, उसकी मस्ती की, टांग टांग खींची, कुछ बोला ऐसे बोला वो भागे, वो पीछे पीछे भागे, लो बच्चे है ना पीछे पीछे भागते रहते, कुछ बोलो तो पीछे पीछे भागते, थोड़ी मस्ती वस्ती की, देन लेट्स ओके, बट इट्स फन। आई एम श्योर वील डेफिनेटली बी मीटिंग, इफ नॉट सारे सेट्स पे नहीं मिले या आस पास में शूटिंग करते हुए नहीं टकराए एक दूसरे से, तो हम ज़रूर ऐसे गेट टुगेदर ज़रूर करेंगे, अगर महीने में एक बार नहीं तो कम से कम 5-6 महीने में एक बार तो ज़रूर मिलेंगे। यू सी टू इट दैट एवरीबडी इज़ टुगेदर। और आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था सेट पे? यू कैन नॉट कॉल इट एम्बैरेसिंग, well it is like, you know how Karishma is like, you know she treats me as like, because I am married also now, to sare apni sari batati mujhe aake batati sa mai mera pati na purva in the story, I am more in love with Kajal the character, to wo phir aati hai mera samay mera, ye dono jhagadte rehte aur main jab enter kiya to ye shuru ho gaya in dono ka ladna, ye mera, main bola 1 minute मैं किसी का भी नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, हाँ तो रियल लाइफ में नाम तो ऐसे बोलो, ये मेरा दोनों का लड़ाई चालू हो गया फिर से। और उसके बाद में किरण जुनेजा शीत से, अरे तेरे को क्या, इसको तो मजे आ रहे हैं, दोनों लड़कियाँ इसके पीछे पागल हैं, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ फिर भी मेरे ऊपर आ रहा है, मैं नहीं किरण जी मैं कुछ नहीं, बट ये लड़कियों का ऐसा ही है, ये इफ़ आई एम स्पीकिंग टू माई वाइफ गौरी पर्पसली दे पीछे से साम आए मेरा साम है, ट्राई टू एम्बेरस मी, लेकिन इतना कोई असर होता नहीं, बट ऑल दीज आर लवली मोमेंट्स, डेफिनेटली दे वॉन्ट बी देयर नाउ, बट लाइफ गोज ऑन। पार्टिंग वर्ड्स अभी तक तो सोचे नहीं हैं, मेरे को आदत है, मैं टाइम से पहले ही एक शॉट दिया मैंने आके, मैं सीधा बोल देता हूँ बोलो, उसके बाद सब लोग बोलते हैं साईनाथ महाराज कीजिए, मतलब पैकअप, तो मैंने एक शॉट दिया उसके बाद मैं पैकअप बोलता हूँ, उस दिन मैं ज़रूर बोलूँगा, सब हो जाने के बाद बोलूँगा बोलो साईनाथ महाराज कीजिए, मिलेंगे सब लोग, ज़रूर मिलेंगे, लेट्स सी देखते क्या होता है। और कोई पार्टी मोड से? नहीं, सी लाइफ मस्ट गो ऑन ऑलवेज, अभी मेरे कुछ बोलने से मेरे कुछ करने से ऐसा तो नहीं होगा कि शूटिंग पे जाना है। सेंटिमेंटल वर्ड्स यार, एक्चुअली हूँ नहीं ना मैं ऐसा यार, मैं हमेशा मस्ती मजाक करता रहता हूँ, अब उस वक्त ही कुछ निकल आया उन लोगों के लिए, तो आई विल डेफिनेटली टेल देम और गिव देम सम सेंटिमेंटल, बट अदरवाइज आई नॉट, कुछ आ नहीं रहा दिमाग में, नहीं दैट विल कम नेचुरली, I don't know how sentimental is for the unit guys, but all actors will definitely be meeting somewhere or the other. As I told you, Karishma is with me on the sets of Kyunki. Purva is around, she's doing Kahani Gargar Ki. Ijaz is always around, he's doing Kesar, he's doing Kusum. Salim ji, of course, we'll remain in touch through SMSs or phone calls, and other people also. Definitely the director also, I really enjoyed working with him, Mr. Ashok Gaikwad. And of course the whole team, I mean the EP and the creative head and the associate EP. Yeah, it was good working with them, and since we are in the working for the same production house, probably we'll work again. These are the words. Thank you. Okay, thanks a lot, yeah, thanks.